देखा, उधर सचिन ने अपना बल्ला घुमाया और इधर मम्मा ने अपना ऑमलेट पलटाया। इधर सचिन ने फिर से अपना बल्ला घुमाया और मम्मा का ऑमलेट छुए दी। लेकिन पापा का अभी तक पता नहीं और मम्मा ने ऑमलेट टेबल पर लगा दिया है। और सचिन की सेंचुरी में सिर्फ 4 रन बचे और पापा को टेबल तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट बचे। देखते जीत किसकी होती। उधर सचिन ने अपना बल्ला फिर से घुमाया और इधर मम्मा ने पापा को जोर से आवाज लगाई, प्रेम ब्रेकफास्ट रेडी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या? व्हाट गुड मॉर्निंग? डे डेट टाइम कुछ याद है या नहीं? है ना, मंडे 9 o'clock। फोन। हाय स्वीटी। हेलो। हाय पापा। हाय शीतल। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मुझे फोन दीजिए। हाय शीतल, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक्स मामा। हाय शीतल, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स टीना। ओके शीतल, आई विल स्पीक टू यू लेटर। हां, आई एम गोइंग टू कॉलेज। बाय बाय। टेक केयर, जल्दी लौटना। हां बाय। हां अच्छा, बोलो बेटा। थैंक यू सो मच पापा, हर साल की तरह इस बार भी आपने सबसे पहले विश किया है। क्यों, फिर से भूल गया तुम्हारे बर्थडे को? हाँ। अरे जरा उसको फोन दो, मैं खबर लेता हूँ। एक मिनट, देती हूँ। ऑमलेट या प्रेम? पापा का फोन। हेलो ससुर जी। बाय लागो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। पता है आज क्या है? हाँ, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल है ना। हाँ। आज बर्थडे है, फिर से भूल गए। ओह आई एम सो सॉरी, हैप्पी बर्थडे पापा। अरे यार मेरा नहीं, बेटी का बर्थडे है ना आज। पिंकी का बर्थडे? पिंकी हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी बेटी का नहीं, मेरी बेटी शीतल का है बर्थडे। पापा मैं आपको फोन करता हूँ। शीतल हैप्पी बर्थडे। मम्मी पापा का हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। जब तुम्हारी मम्मी हैप्पी नहीं है तो किस बात का हैप्पी बर्थडे? अरे कल रात तक मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। याद था तो मम्मी का गिफ्ट का है? गिफ्ट? सॉरी भूल गया, पापा की विकेट दब गई। बस बोल दिया सॉरी, पिछले 5 साल से तुम बस सॉरी ही बोलते रहते हो। पापा आपके बर्थडे के 12 दिन ही बाद तो मम्मा का बर्थडे, फिर आप क्यों भूलते हो? तेरे पापा को बस बिजनेस के फिगर और क्रिकेट का स्कोर याद रहता है। ओह कम ऑन शीतल, तुम्हारे बर्थडे के अलावा और सब तो याद है ना मुझे। सब कुछ याद है तुम्हें? हाँ। तो बताओ हमारी पहली मुलाकात में मैंने क्या पहना था? हाँ, व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स। वेरी फनी, वो कपड़े मैंने नहीं मेरी फ्रेंड ने पहने थे। तो तुम अपने फ्रेंड के पीछे क्यों खड़ी थी? वैसे भी पहली मुलाकात में मैं तुम्हारे कपड़े नहीं तुम्हें देखा। ये रिंग कितने की है? 1 second में। इट्स वेरी प्रिटी ना। बहुत प्यारी है। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे कुछ रिंग्स दिखाएंगे आप? श्योर सर। इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? लेकिन इससे तो इसका पैटर्न ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। और वो देखो, वो वाली पैटर्न्स है इसमें, कितनी प्यारी लग रही है ना। कितने की है ये रिंग? लेकिन सर ये तो, एक्सक्यूज मी, ये रिंग मेरी है। सॉरी मैंने खरीद लिए, आप अपने लिए दूसरी ले लीजिए। कितना? हेलो, ये दुकान की नहीं मेरी पर्सनल रिंग है। मैं गलती से यहाँ भूल गई थी। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि इनकी रिंग है। लगता है फंस गई। फंस नहीं गई, आपने जानबूझकर फंसाई है ताकि इसे पहन के चुपचाप निकल लो। एक्सक्यूज मी, मुझे ये फालतू रिंग पहनने का कोई शौक नहीं है। खबरदार जो मेरी रिंग को फालतू कहा, ये मेरी लकी रिंग है, इसे निकाल दो। वही तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये रिंग है जो निकलने का नाम ही नहीं लेती। ए मिस्टर, ये टाइम पास करना बंद करो, रिंग निकालो। वही तो कर रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, ये रिंग निकालने का और कोई तरीका है? हाँ है ना सर, इसको काटनी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है, इसे काट दो। लेकिन सर ये तो उनकी रिंग। नहीं, ये मेरी लकी रिंग है, ये नहीं कटेगी। तो क्या इसके लिए मैं अपनी उंगली कटवा दूं? डॉक्टर मुझे ये रिंग वापस चाहिए। डोंट शेक योर हैंड। अरे डॉक्टर मेरा नहीं, आपका हाथ हिल रहा है। हां सो व्हाट, आई एम डॉक्टर, आई कैन शेक एनीथिंग। अच्छा टेल मी, किस बात पे झगड़ा हुआ? ये रिंग पर। वेरी स्ट्रेंज, हर झगड़े की शुरुआत ये रिंग ही होती है। डॉक्टर प्लीज जल्दी, शादी में जाना है। देखिए जल्दी में ऐसा रिश्ता मत तोड़िए, लड़का दिखने में बुरा नहीं है, थोड़ा गोरा ज्यादा है तो क्या हुआ? व्हाट रिश्ता व्हाट लड़का, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। हाय
आई एम प्रेम साहब. हेलो, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड डॉक्टर. प्लीज, ये रिंग निकालने में कितना वक्त लगेगा? सी, वक्त तो कम लगेगा लेकिन खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा. इसको काटने के 2000 और इसको ज्वाइन करने के 2,00,000 रुपए लगेंगे. ये काटने जोड़ने का इतना खर्चा? हाँ, क्या है, चीजें काटना बहुत आसान है लेकिन उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है. सी, कल ही मैंने एक बकरी के पैर में से ये रिंग निकाली. वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन. बकरी? हाँ, आपके आने से पहले कुत्ता अंदर बैठा है, उसके गले में गोटी अटक गई. आप जल्दी बोलो गोटी या रिंग. Listen, doctor, please just give me my ring, please. Okay, urgent, no problem. I will cut your finger right now. Go, guys. What? No, I want my ring. Where are you going? Stop it. I want my ring. अरे तुम उसे दूसरे रिंग क्यों नहीं दे देते यार? प्रॉब्लम क्या है? मैं एक रिंग के बजाय 2 रिंग देने के लिए तैयार हूँ लेकिन वो मानती नहीं. अरे रिंग फंसी तो लड़की फंसी. क्या बकवास कर रहा है यार? अरे मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी बात मान. माय गॉड, लड़की तो अच्छी है. तू मेरी रिंग क्यों नहीं लौटाते? तुम्हें तुम्हारी रिंग चाहिए ना, तो फिर एक रास्ता है. तो तुम उस रास्ते पर चलो, बट गिव मी बैक माय रिंग. मुझे अपना लो, मेरे साथ ये रिंग भी तुम्हारी हो जाएगी. What? हाँ, यही एक रास्ता है. Would you shut up, stupid? Leave it. क्या करे? क्या करे? छोड़ दो. अरे, तो क्या फैसला किया? रिंग या मैं? दोनों. अब इससे ज्यादा मैं और क्या याद रखूं? तुम सारे मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं. अरे नहीं बदला. शादी के बाद मैंने तुम्हारे सिवा किसी और लड़की को देखा तक नहीं. प्रेम, तुम्हें सही तरह से झूठ बोलना भी नहीं आता. शीतल, मेरी बात तो सुनो, मेरा यकीन करो. पापा फिर से क्लीन बोल्ड. चोरी के आम का हर कोई दीवाना होता है. जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सियाना. जिसकी लाइफ में वाइफ नाम की नाइफ है उसे बच के सेफ खेलना चाहिए. खैर, जहां लड़का और लड़की हो वहां लड़ना तो होगा ही ना. और ये आज की बात नहीं, ये तो तब से चला आ रहा है. जब हवा को कौवा बना के आदम ने दूसरी की ओर कदम बढ़ा था. एडम ऑफ अनदर मैडम. घर में जिस पति की धाक नहीं चलती बाहर उसकी आंख चलती. समझ लीजिए, जब वाइफ भड़की तो अपने आप खुल जाती नजर की खिड़की. राम राम बाबू जी. क्या है, कौन है तू? जी हम नए धोबी हैं, राम पकावन. राम खिलावन भैया गांव गए हैं ना, तो हम उनकी जगह पर आए हैं. मैं लॉन्ड्री के कपड़े लेने आया हूँ. तू मेरे कपड़े धोएगा? अबे जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं पूरी बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड हूँ. लैंडलॉर्ड राठौड़ नाम है मेरा, राठौड़ जी. राजपूत है हम लोग. हम लोग धोबियों से कपड़े नहीं धुलवाते. तो मैले कपड़े पहनते हैं. वो देख रहा है सामने, वो मेरी बीवी है और हम राठौड़ खानदान के लोग अपनी बीवियों से अपने कपड़े धुलवाते हैं. नमस्ते भाई. ऐसा बोल. समझ गया साहब, राठौड़ खानदान के मर्द बड़े बहादुर होते हैं साहब. सुन, आज के बाद अगर इस घर में तू कपड़े लेने आया ना तो सबसे पहले मैं तेरी धुलाई कर दूंगा. समझे राम? पकाऊ? पकाऊ नहीं साहब, पकावन. अरे चल ना यार, इतना पकाता तो पकाऊ हुआ ना यार. राठौड़ के कपड़े इतनी जल्दी वहाँ से यार. तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ, तुम्हारे खानदान में बीवियाँ कपड़े धोती हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं ही धोता हूँ. वो तो धोबी नहीं आना, तो उसके सामने वो खामखा वो अपना लैंडलॉर्ड वाला राठौड़ वाला रोप झाड़ रहा था. जानू, वो तो सब जानते हैं कि यहाँ की लैंडलेडी तो तुम ही हो. हाँ, वो तो मैं हूँ ही, मगर वो दूरबीन से क्या देख रहे थे? हाँ, वो भी देख लिया. तारे देख रहा था मैं. स्टार्स. तारे? वो भी दिन में? दूरबीन है ना, तो बहुत दूर के मैं वो अमेरिकन तारे देख रहा था. वहाँ तो रात है अभी. वहाँ रात है. बहुत शौक है ना तुम्हें तारे देखने का. मैं तुमको तारे दिखाती हूँ इंडिया में, वो भी दिन में. भक्त का, तुम्हें तारे देखने हैं ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें तारे दिन में. हाँ, बहुत तारे देखने का शौक है.
मारो, लेकिन रिक्वेस्ट है अपने कोमल हाथों से कम मारो और आहिस्ता मारो, प्लीज आहिस्ता मारो। सुनो जानू, मैंने डिसाइड किया है आज मैं आपको नहीं मारूंगी। थैंक यू डार्लिंग। आई एम गोइंग टू सिट ऑन हे रमीला, हे रमीलो, रमीला क्या है ये तू इतना मेकअप लगा कर किस डायन को डराने जा रही है, बोल पहला। पहले ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे तू जब से मिली है मेरे को इतनी जोर से लगी है कि ये साड़ी तूने किस खुशी में खरीदी है। खरीदी नहीं हूँ, वो अपनी कोमल बहन है ना, उससे एक दिन के लिए मांग के लाई हूँ। अरे चेन देखिए अच्छी है ना, ये वो कविता बहन है ना, उससे मांग के लाई हूँ। अरे चूड़िया मैचिंग वाली, ये रूबी बहन से मांग के लाई हूँ। अरे बिंदी बिंदी ये भी मांग के लाई तूने, तू क्या पिछले जन्म में मांगने वाली थी या क्या। मेरा मूड खराब मत करो, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, सोचा था आपको एक गिफ्ट दूं। तू मुझे गिफ्ट देना चाहती है, मेरे को ऐसा गिफ्ट दे कि मैं जिंदगी भर मैं तेरे को दुआ दूं। कौन सा गिफ्ट दूं? मेरे को डाइवोर्स देना। तू क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी जैसी बीवी आप लालटेन लेकर ढूंढे तो भी नहीं मिलेगी आपको। मैं भी उसी लालटेन वाले को ढूंढ रहा हूँ जिसने तेरे को ढूंढ के मेरे को चिपकाए। क्या बोले? अरे बाबा, अरे तेरे को पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, बचाना है तो मेरी इज्जत बचा। मैंने तेरी मांग क्या भर दी, तू भर भर के मांगती फिर रही है। कल को तो अपनी सहेली के पति को लाएगी और मेरे को बोलेगी कि एक दिन के लिए पहन के उतारती हूँ, ऐसा चलता है क्या। बात करती है, जा मेरा परफ्यूम ला। परफ्यूम तो नहीं है। हाँ तो मांग के लाने। तेरे साथ रह रहे के मैं भी मांगने वाला हो गया हूँ। देख मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को दुनिया की नजर में मत गिरा, मुबारक हो शादी की सालगिरह बस। अरे पान डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की पड़ोसियों के कपड़े ने गहने पहनने की बीमारियां ने वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे पान तुम्हारी दवाई तो असर करती नहीं है। अरे पान कितनी दवाई बदली कर डालो बोलो, मैं तो सोचता हूँ बीवी बदली कर डालो। अरे दवाई का खर्चा तो बचेगा, बोलो क्या बोलते हो, टन 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 करे ना को। छेड़ा भाई आप जरा गाड़ी से थोड़ा दूर हटेंगे, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ तो जाइए जाइए। छेड़ा भाई आपको बुरा तो नहीं लगा ना? किस बात का? नहीं वो मैंने आपको गाड़ी से दूर हटने को कहा ना तो बुरा लगा होगा। अरे इसमें बुरा लगने की क्या बात है, तुम्हारी गाड़ी है, तुमको ऑफिस जाना है, जाओ ने। नहीं छेड़ा भाई है? अब मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? क्यों मेरे टेकने से तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई? नहीं नहीं गाड़ी नहीं छेड़ा भाई, मेरा दिल पंचर हो गया। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते छेड़ा भाई मैं ऑफिस नहीं जा सकता। कोई बात नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं छेड़ा भाई मुझे माफी दिए बिना आप कहीं नहीं जा सकते। माफी चाहिए ना? जी तो मैं तेरे को माफ कर दिया मेरे भाई, ये ले तेरे को माफ के ले बाप, ये माफ के बस बस बस। नहीं छेड़ा भाई नहीं, आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया छेड़ा भाई, मैं जानता हूँ आपने ऊपर से हाथ वाथ लगा के मुझे माफ कर दिया। आप एक काम कीजिए छेड़ा भाई, आप ना आप मेरी गाड़ी में बैठिए और आप पूरा दिन आप फोन पे बात कीजिए, मैं एसी भी ऑन कर देता हूँ और बाहर खड़ा करके देखता हूँ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा छेड़ा भाई। ये तो मेंटली डिस्टर्ब है। नहीं मैं तेरे को बोला नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगा। छेड़ा भाई आपको डेफिनेटली बुरा लगा, आप देखिए आप गुस्सा कर रहे हैं। मेरे को गुस्सा नहीं है, पर गुस्सा तो मत दिला रहे तू। एक मिनट छेड़ा भाई आप इस शीशे में अपना मुंह देखेंगे ना आपको खुद पता लग जाएगा आपको। आप देखिए 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 एक मिनट, ये इसको कौन खुला है, छोड़ दिया यार इसको, बांध के रखो ये वॉचमैन, ये वॉचमैन, अरे इसको बांध के रखो यार, मेरे पीछे पड़ गया भाई। मैं तो बोलता हूँ सदर जी बुलाओ, कमेटी बिठाओ, इसको बिठाओ, इसका मेंटेनेंस बढ़ाओ, अरे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो यार, इसके ऊपर कुछ खर्चा करो यार, बहुत खर्चे इसके ऊपर, बहुत खर्चे है भाई। अरे कौन है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे काय का गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग कर दिया ये मिश्रा ने यार। कूल डाउन छेड़ा साहब, कूल डाउन। मिश्रा जी, जी आपकी वाइफ मैके से आ गई? नहीं प्रेम भाई अभी तक नहीं आई। तो आप तो बहुत सुखी होंगे। हाँ इतना सुखी है कि सबको दुखी करता फिरता है। प्रेम भाई मेरी वाइफ मायके से नहीं आई तो आपको बुरा लगा ना? आपकी वाइफ मैके से नहीं आई तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? नहीं वो आप इंक्वायरी कर रहे थे ना तो आपको डेफिनेटली बुरा लगा होगा प्रेम भाई। अरे मैं तो सिर्फ कैजुअली पूछ रहा था, मुझे क्या पड़ी है, मुझे माफ करो भाई। अरे नहीं नहीं प्रेम भाई आप क्यों माफी मांगेंगे, गलती तो मुझसे हुई है ना, आपको बुरा लगा ना,
मुझे माफ कर दीजिए प्रेम भाई, प्लीज मुझे माफ। अभी तो खाली भूख रहा है, इससे पहले ये काटे ने इधर से चलो, ये काटेगा ना पॉइजन जो चढ़ेगा ना उसका इंजेक्शन नहीं बने वर्ल्ड में, इसको तो वर्ल्ड कप मिलना चाहिए पकाने का। ए, प्रेम भाई दोनों चले गए, अब मैं किससे माफी मांगू? वॉचमैन Come in. Annie, ये कैसा लेटर टाइप किया है? You liked it, sir? मुझे पता था आपको लेटर अच्छा लगेगा। Annie, तुमने टाइप किया है We want 2 lakh cooks. Don't you worry, sir. कम पड़ेंगे तो और 2 लाख के ऑर्डर दे दूंगी। Annie, this is a publishing house, not a hotel industry. We deal in books, not in cooks. I know, sir. If you know that, then letter में books की जगह cooks क्यों लिखा? Really, sir? Let me see. Yeah, really, sir. Sir, अच्छा हुआ letter भेजने से पहले आपने पढ़ लिया, वरना 2 लाख cooks आ जाते तो कहाँ रखते उन्हें? So sweet of you, Annie. तुम कंपनी का कितना ख्याल रखती हो? थैंक यू सर। तुम्हारी तरह 3-4 और एफिशिएंट लोग इस कंपनी को मिल गए तो है ना सर, मेरी एक कजिन सिस्टर है वेरी एफिशिएंट, उसे बुला लूं? नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली से एक ही काफी है। थैंक यू सर। और अगली बार लेटर ड्राफ्ट करने से पहले मुझे जरूर दिखा दिया करो। श्योर सर। मिस्टर छेड़ा हाँ। हमारी पेनमेंट पब्लिकेशन से बात हो चुकी है। हो? उन्होंने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री किया है। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर आवर पब्लिकेशन। प्रेम मैं तो बोलता हूँ इससे पहले कि उनका इरादा बदले ने एग्रीमेंट साइन करके टन 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 कर दो, डील पक्का बस। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मिसेस कुलकर्णी, यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, तुम बाद में आओ चलो। एक मिनट मिस्टर छेड़ा। यस मिसेस कुलकर्णी, क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। एडवांस? अरे कल ही तो पूरे स्टाफ को सैलरी बांटा, कड़क कड़क नोट, ठक 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 ठक, एडवांस क्या का? सर मेरे पति को शराब और जुए की आदत पड़ चुकी है, उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और अब तो वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरी सारी कमाई तो उसी पे उड़ा देते हैं। मैंने अपने बच्ची की स्कूल की फीस के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे थे, कल उसको भी छीन के ले गए। अगर आज शाम तक पैसे जमा न हो सके तो मेरी बच्ची का तो एक साल बर्बाद हो जाएगा सर। कोई बात नहीं मिसेस कुलकर्णी, आप एडवांस ले लीजिए। थैंक यू सर। बापू मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए ना कि जो भी पति अपनी पत्नी को धोखा दे के दूसरी औरत के पीछे भागता हुए ना, उसको उल्टा लटका के आधा बदन है ना जमीन में गाड़ देना चाहिए, टन 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 टन। मेरा आइडिया कैसा है बापू? आइडिया तो अच्छा है लेकिन गवर्नमेंट को जमीन कम पड़ेगी। क्या बात करते हो? हाँ मम्मी, अगर साल में हमारा बर्थडे एक बार की जगह 4 बार आता तो कितना मजा आता, पापा हमें 4 बार पार्टी देते। बेटा अगर साल में बर्थडे 12 टाइम्स भी आया तो तेरे पापा को याद नहीं रहता। अब कितने ताने मारोगी, बस भी करो, हम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आए, लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स। पुरानी बातें भूल जाओ, लेट्स एंजॉय द इवनिंग। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग सर। इट इज रियली एन ऑनर टू हैव यू ऑल ओवर हियर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज हमारी कंपनी ने 7 इयर्स कंप्लीट किए हैं एंड आवर कंपनी इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंपनीज इन पब्लिकेशन, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। हमारे पास इस साल 3 बेस्ट सेलर्स है एंड वी हैव मोनिका विद अस हुज रिटन अ बुक व्हिच आवर कंपनी इज ट्राइंग टू कंसीडर। यस मोनिका। मिस्टर प्रेम, मेरी पेज 3 किताब एक सेंसेशनल किताब है, यू नो पीपल लव टू रीड दिस काइंड ऑफ स्टफ। मैडम सही बोल रहे हैं, आजकल सोसाइटी में पेज 3 का कल्चर है ना वल्चर की तरह फैला हुआ है और जिसको देखो वो अपने फोटो है ना पेज 3 पे चिपकाने में लगा हुआ है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैडम ने तो 3000 पन्नों की किताब लिखी है, अब तो एक एक पन्ने पे एक एक फोटो छपेगा ना तो एक एक पन्ना किताब के भाव बिकेगा, तो किताब का भाव क्या होगा बोलो। एग्जैक्टली। एंड यू नो इस किताब को लिखने में मैं कई रातें जागी हूँ और हाई सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को मैंने दिल से फील किया है। वो तो मैं आपकी आंखों में दिन रात की मेहनत देख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी छेड़ा साहब, लेकिन ये किताब हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। प्लीज प्रेम, चेंज द पॉलिसी फॉर मी ना एंड ट्रस्ट मी, इस किताब के छपते ही पूरी हाई सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा। अरे भाई हंगामा तो चाहिए, हंगामा होगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, टन 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 टन। मिस्टर छेड़ा,
प्रॉफिट के लिए मैं अपनी कंपनी की पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। प्लीज प्रेम, डोंट डू दिस टू मी। ये भी तो एक तरह का सोशल वर्क ही है। अरे हम भी तो सोशल वर्कर है ना। देखो मैं तो बोलता हूँ हमें भी इनके साथ हाथ से हाथ मिला लेना चाहिए और जमाने के हिसाब से कदम मिला लेना चाहिए। बस मैं यहाँ आपसे कदम से कदम मिलाना चाहती हूँ और आप है कि अपने कदम पीछे ले रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर प्रेम, कम ऑन। Let's go. Excuse me, gentlemen. मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। हाँ जाओ। टन 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 टन। ये कौन सी किताब थक गई भाई? हाय प्रेम। ओ हाय। उस मीटिंग के बाद मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, कितने एसएमएसेस किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। दिस इज नॉट फेयर प्रेम, यू नॉटी बॉय। एंड यू नो गुड न्यूज। गुड न्यूज? यस, मेरी पेज 3 किताब फाइनली पब्लिश हो रही है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। कांग्रेचुलेशंस एंड मीट माय वाइफ शीतल। यू आर मैरिड? या, एंड दैट्स माय डॉटर पिंकी। हाय। ओह माय गॉड प्रेम, मैरिड तो तुम किसी एंगल से लगते नहीं हो और ऊपर से एक बच्ची का बाप। थैंक यू। एंड हाय मिसेस प्रेम, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर सो लकी, योर हस्बैंड स्टिल लुक्स लाइक अ बैचलर। ओके बाय हैंडसम, हैव फन। शादीशुदा हो, एक बच्ची के बाप हो, ये सब बातें बताने में तुमको शर्म आती है? नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को बताने में नहीं डरती। कि आप दोनों मेरे मम्मी पापा, फिर आप अपने फ्रेंड्स को बताने में क्यों डरते हैं? अरे जवाब दो बेटी को। वो एक बिजनेस मीटिंग थी, वहाँ पर मुझे अपनी फैमिली हिस्ट्री बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो आप पिंकी और मैं फैमिली हिस्ट्री बन गए। मैंने कब ऐसा कहा? मैंने अभी अभी सुना अपनी हिस्ट्री बोला। देखो तुम दोनों माँ बेटी मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। ओके, हम सब समझ रहे हैं। धीरे धीरे, यू नॉटी बॉय। आज से बटर, मक्खन, ऑयली फूड सब खाओगे। किसी भी एंगल से बैचलर नजर नहीं आओगे। नो जिमिंग, नो डाइटिंग। ओके बाबा, बिकम फैट, प्रॉमिस। पहले मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा, फिर अपने बारे में। केक। ऑलराइट, वन मिनट। दैट्स माय वाइफ शीतल। हेलो। एंड दैट्स माय डॉटर पिंकी। हाय। एंड वी आर वेरी हैप्पीली मैरिड। जी सर। गॉट इट? थैंक यू। अब खुश, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। ये लो। अरे शीतल, आज से तुम्हारा बिस्तर बाहर। मैंने क्या किया? फिर शुरू हो गया 7 साल से यही काम। ये पति पत्नी पहले तन मन धन बांटने के वादे करते हैं और फिर अनबन और घन के शिकार हो जाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा खतरा साथ छूटने का होता है, 7 साल बाद होता है। How strange is that? Number 7. 7 समुंदर, 7 अजूबे, 7 रंग, 7 सुर, 7 साल, 7 छूटना, 7 बड़ाई, 13 नंबर होता है। Watch out bro, 7 नंबर 13 नंबर से भी ज्यादा टेढ़ा होता है। You are now entering the danger zone. सर, आर यू ओके सर? मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। सर प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, अपने सर का चेकअप करवाइए। वो मेरे गोवा वाले अंकल है ना, उनका भी सर थोड़ा सा ही दर्द करता था, रोज दर्द से चिल्लाते थे, लेकिन सर एक दिन चिल्लाना बंद कर दिया। तो दवाई से ठीक हो गए होंगे ना? नहीं सर, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? वो गुजर गए ना सर। एनी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट योर अंकल, बट डोंट वरी अबाउट मी। ओके, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। जाके देखो कि नई बुक का कवर तैयार हो गया है नहीं। रेडी है ना सर? मैं आपको ही दिखाने आई थी, आपने बातों में लगा दिया। ये देखिए, कपड़े निकाल दो। व्हाट सर? एनी, आई मीन तुमने ये कैसा कवर डिजाइन किया है? हम साड़ियां नहीं बेचते, हम बुक्स बेचते हैं, बुक्स। मॉडल कोऑर्डिनेटर से कहो कि एक दूसरा फोटो सेशन अरेंज करे, मॉडल्स को कुछ ग्लैमरस दिखाओ, उन्हें एक्सपोज करो, कवर पे सेक्स अपील होनी चाहिए ताकि कोई अंधा भी छूकर खरीद ले। समझ में आया? नो सर। नाउ लुक एट दिस, दिस इज अपीलिंग, कवर इस किस्म का होना चाहिए। चली रह, चली रह।
क्या बात कर रहा है लालवानी? मतलब पार्टी बिल्कुल तैयार है? एकदम रेडी है, इंपोर्टेड है, फॉरेन से आई है, फॉरेन घर चाहिए, डबल भाड़ा देने को तैयार है। डबल भाड़ा दे रही है तो फॉरेन डन करते नहीं यार। एक मिनट भाभी। नमस्ते, परिवार में कौन कौन है? भाभी बहुत छोटा परिवार है, सिंगल लड़की। सिंगल? अरे एक अकेली लड़की पूरा परिवार कैसे हो सकती है? अरे मैं हूँ ना, मतलब हम उसके परिवार की तरह ही है ना। और फिर ये मत भूलो कि वो डबल भाड़ा दे रही है। अरे डबल भाड़ा मिले या ट्रिपल, मैं कह रही हूँ एक अकेली कुंवारी लड़की इस बिल्डिंग में नहीं आएगी। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? अरे मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस घर की आधी मालकिन हूँ मैं। राठौर खानदान की बीवियाँ आधी मालकिन नहीं बल्कि घर की पूरी नौकरानियाँ होती हैं। अगर तुम मेरी बीवी हो तो अपनी औकात में रहना सीखो, समझी? औकात में रहना सीखो। एक बात बताओ, क्या कुंवारी लड़की को अपना घर बसाने का हक नहीं है? मत भूलो कोमल, मत भूलो कि एक दिन तुम भी कुंवारी थी। अगर मैं हाँ ना करता ना, मैं लालवानी से कह रहा हूँ मैं, अगर मैं हाँ ना करता ना तो आज तक वही कुंवारी बैठी होती। देखो तुम हद से आगे बढ़ रहे हो अब। हाँ तो क्या तुमसे डर के हद से पीछे हो रहा हूँ मैं? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, समझी? तुम इस घर में, इस बिल्डिंग में एक कुंवारी लड़की आके रहेगी, ये मेरा फैसला है। लालवानी जा पार्टी को जाके हाँ बोल दे जा। अरे जा मैं कह रहा हूँ, जाके हाँ बोल दे जा। हाँ बोल दे, डबल भाड़ा मिल रहा है, चल। पार्टी को हाँ बोल दे, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। कहीं जाके बोल दे पार्टी को, हाँ बोल दे, डबल भाड़ा मिल रहा है अपने को तो। डबल भाड़ा मिल रहा है, डबल भाड़े के लालच में गुजारा ही बोल गया मैं, मुझे माफ कर दो जानू। कब तक तुम लोगों के सामने मुझे ऐसे ही डांटते रहोगे? मरते दम तक। राठौड़ खानदान का हूँ ना, तो बाहर दादागिरी करनी अच्छी लगती है, पर घर में तुम्हारी तुम्हारी दादागिरी सहता हूँ ना, तुम्हारी डांट, तुम्हारी मार, तुम्हारी भटका सब कुछ सहता हूँ ना। मारना मत, मुझे मारना मत, मारना मत, मुझे मारना मत, कान भी रहा है मुझे लगता मारना। इस आदमी की लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। राठौड़ जी घर पे? शेख जी है। हाँ हाँ, ऊपर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए चलिए, आइए 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 अंदर आइए। अरे राठौड़ साहेब, अरे बैठे बैठे पतक पतक क्या कर रहे हो? अरे अपनी उतार के कितने कपड़े धो रहे हो? नहीं वो क्या है कि हम अपनी बीवी की धुलाई करके अपना मन बहलाना चाहते थे, लेकिन वो तो ना बिजी है, तो उसके कपड़ों की धुलाई करके अपना मन बहला रहे हैं। लेकिन ये इतने सारे फूल किस पे चढ़ाने के लिए लाए हो? कौन मर गया? तो आप, आपका जन्मदिन है ना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सरकार। राठौड़ से केक। अरे कैसा केक और काहे का जन्मदिन, मैं तो आज के दिन पैदा ही नहीं हुआ हूँ। राठौड़ सेठ, आप आज के दिन पैदा हुए तो आपको बुरा लगा? अरे चुप करो यार मिश्रा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चुप करो जी। अरे आपसे किसने कह दिया कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने। तुमने? हाँ मैंने, इन लोगों को तुम्हारी असली औकात बताने के लिए बुलाया है। तुम्हारी ये हिम्मत? ये हिम्मत? जो वो बेइज्जती के घूंट मुझे रोज पिलाते थे, आज वही घूंट इन लोगों के सामने मैं तुम्हें पिलाने वाली हूँ। जानू, अरे बताओ यहाँ किसका हुक्म चलता है, बताओ जरा। अरे ये कपड़े कौन धोता है, खाना कौन बनाता है, और वो झाड़ू कटका कौन करता है? लगता है बम फटेगा आज के, नहीं राठौड़ कटेगा। चलो निकलो। क्यों क्यों निकल गई, बोलती बंद हो गई तुम्हारी? अरे क्या मैं कर, मिश्रा जी सब लोग चले गए, अभी आप भी निकलो। मैं तो बस ये पूछने के लिए खड़ा था कि हम सबको आपके असली औकात का पता चल गया, यानी आप हम सबके सामने एकदम नंगे हो गए। आपको बुरा तो नहीं लगा? छोड़
बस 24 घंटे ईमेल देखते रहते हो। पास में एक फीमेल बैठी है, कभी उसे भी तो देखा करो। हाँ बोलो जानू, क्या है? सुनो, हमें कुछ दिनों के लिए मैसूर जाना पड़ेगा। क्यों? टीना ने एक लड़का पसंद कर लिया है, वो उसके साथ भागकर शादी करना चाहती है। मम्मी पापा को ये पता नहीं है, तो हमें जाकर टीना को शादी से रोकना पड़ेगा। मैं क्यों रोकूं? मेरी शादी कोई रोकने आया था क्या? प्रेम, तुम्हें हर बात मजाक लगती है। अच्छा ठीक है, तुम चली जाना और साथ में पिंकी को भी ले जाना, मैं ऑफिस की गाड़ी भेज दूंगा। हाँ, गाड़ी भेज दी तो पति जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। आप ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि मैं मैसूर छोड़ने आता हूँ? मैं नहीं आ सकता, तुम्हें पता है कि 2 घंटे में ऑफिस नहीं जाता हूँ तो 8 घंटे काम बढ़ जाता है। तुम चली जाना ना। बस करते रहना अपना काम, और गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप बस में चली जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। ये बीवियां भी कब किस करवट सो जाएं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब सुन रही हूँ। ओके बेटा, तुम जा रही हो, अपना ख्याल रखना, मम्मी का भी ख्याल रखना, मम्मी को तंग मत करना। ओके ओके पापा, डोंट वरी। बाय पापा। बाय बेबी। पहुंचते ही फोन करना। ओके मुझे क्या करना है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्या क्या नहीं करना है वो तो याद है ना? हाँ बाबा, पिछली बार जब तुम मैके गई थी तब तुमने मुझे एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट दी थी, वो लिस्ट हमेशा मेरी जेब में रहती है। ये देखो। खुश? नॉट फनी। ओके, अच्छे बच्चे की तरह रहना, सुबह जल्दी उठना, घर को साफ रखना, बाहर का खाना मत खाना, घर पर ही कुछ बना लेना। और हाँ, तुम्हारी क्रिकेट की वो एक्स्ट्रा इनिंग्स की मंदिरा और मदिरा दोनों से बिल्कुल दूर रहना। कम से कम रेडियो पे कमेंट्री तो सुन सकता हूँ ना, वहाँ तो मंदिरा नहीं है ना। ओके चंदू, तेरे बिना दुनिया में क्या है? मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं तेरे बिना एक पल अकेले नहीं रह सकता, एक महीना कैसे रहूंगा? अपना ख्याल रखना, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेरे चंदू, मेरे लड्डू। उस स्टेट एजेंट को देखो, पत्नी से बिछड़ते वक्त कैसे रो रहा है, और एक तुम हो। तो क्या मैं भी रोना शुरू कर दूं? हाँ, ऐसे पतियों की वजह से हम सब पति बदनाम हैं। ओके चलो बाय। ओके बाय। बाय बेबी। बाय पापा। बाय, हैव फन। बाय। तुझको खींच कर लेकर आएगा, लेकिन तू क्यों आई? मेरा पास दो। क्यों? मेरी टिकट और पैसे तो इसमें है। जा। रखोड़, ये दुनिया छोड़, छोड़। तुझे तेरी बीवी ने कहीं का नहीं रखा। मैं आज पॉइजन खा के मर जाऊंगा। राठौर, ये क्या कर रहा है तू? राठौड़, दुनिया छोड़ रहा है, लालवानी दुनिया छोड़ रहा है, मुझे मर जाने दे दोस्त, मुझे मर जाने दे। ऐसा क्या हुआ यार? क्या बताऊं, मेरी बीवी ने मुझे सबके सामने नंगा कर दिया, नंगू बना दिया, नंगू। नीचे कुछ नहीं पहना था? वो मतलब नहीं है मेरा यार, सबके सामने मेरा पोल खोल डाला उसने, पोल खोल डाला, सबके सामने मेरी इज्जत की माँ बहने का डाली उसने यार, ऊपर मुझे छोड़ के चली गई। लालवानी, अब मैं जिंदा रह के क्या करूँगा? Shut up! तूने लाइफ में कभी भाभी को डांटने और पैसे जमा करने के अलावा कोई काम किया है? नहीं। कभी शराब पी है? नहीं। कभी मुजरा या कैबरे देखा है? नहीं। कभी जुआ खेला है? नहीं। कभी बीवी के बगैर जन्नत के मजे लूटे हैं? नहीं। बीवी के बगैर जन्नत देखनी है? नहीं। क्या बोल रहा है? देख बापू, मेरी बीवी गई है मायके, मैं तुझे अपने साथ जन्नत के मजे लुटवाऊंगा, लुटवाऊंगा। अल्लाह बोल। ला 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 ला। प्रेम,
मैंने कितनी बार समझाया सामान प्लीज ठीक से रखो। आज ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में क्या किया? आज मैंने अपने क्लाइंट को थप्पड़ मारा, अपनी सेक्रेटरी को किस किया, मल्टीनेशनल के दो कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाड़ के फेंक दिए, ऑफिस की सारी फाइलें जला दी है, दरवाजे खिड़कियां फर्नीचर सब मेरे भंगार को बेच दिए, दीवारों से पेंट खुरद खुरद के फिर डब्बे में डाल दिया, यही सब होता है ऑफिस में, और कुछ सुनना है? गई? अरे गई? गई? ये अरे चले गए थानेदार तो अब डर काहे का, चले गए थानेदार तो अब डर काहे का, अपनी है सरकार तो अब डर काहे का। No power on this earth can stop you from doing your project. Hi, I'm Lisa. Live from World Fashion TV London. Now with me is Twinkle Chopra, the number one model in Europe. Hi. Hi. But you know, people think that you're moving to India for marriage. Is it true? Me? And marriage? No way. I don't believe in marriage. I believe in love. Only love. In fact, main India apne pyar ki talash mein ja rahi hoon. Are you sure you're going to find your love in India? I'm sure. But suppose, if you find your love already married, what would you do? Then it would make no difference because I don't believe in marriage. I believe only in love. Wow, interesting. All Indian wives, watch out. Twinkle Chopra is coming to India. को पता जो डीजल
में इतना टाइम क्यों लगा? और शीतल, मैं बाथरूम में था। बाथरूम का नल ठीक से बंद किया? हाँ बाबा, बंद किया। फिर से चेक करना। हाँ, अगर ठीक से बंद नहीं हुआ तो पिछली बार की तरह घर में ताला भर जाएगा। ओहो, कर लूंगा मैं चेक। और हाँ, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। हाँ, और सोने के बाद और उठने से पहले भी कुछ करना है? नहीं ना, मैं एक बच्चा नहीं हूँ, एक बच्ची का बाप हूँ। मुझे ऑफिस में एक अर्जेंट काम है और एक नई किताब की मैनुस्क्रिप्ट पढ़नी है। ठीक है, बट सोने से पहले नाइट लैम्प बंद करना मत भूलना। हाँ मैं बंद कर लूंगा। जूते भी सही जगह रखे हैं, टीवी भी बंद है, जो कुछ भी तुमने कहा सब मैं फॉलो कर रहा हूँ। गुड बॉय। अच्छा, मेरे बारे में तो कुछ पूछो। हाँ, तुम ठीक से पहुँच गई ना? अब पूछा तो तुम मुझे पूछने का मौका भी कहाँ देती हो। अच्छा, अपना और पिंकी का ख्याल रखना। प्रेम प्रेम प्रेम, I miss you. Do you miss me too? Yeah, I miss you and I love you too. I love you, Jan. Good night. Love you. Good night. झूठ बोलने में भी कितनी तकलीफ होती है। तशरीफ। अरे लालवानी, ये सब क्या है यार? बताता हूँ। राठौर जी, जन्नत के मजे ले लो। जीते जी है? अरे मियाँ, हमें दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। ये तो मेरे रोज का है, जब अकेला होता हूँ बीवी जाती है, देखते रहता हूँ। शट अप यार, सॉरी, देख रहा हूँ। रिलैक्स यार, रिलैक्स। आप रहेंगे तो इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे। ओके, ये तूने किसी और को बुलाया क्या? वो पिज्जा वाला होगा यार। कुछ खाएंगे तो जान बनेगी ना यार। अभी आया। You enjoy the bachelorhood यार। अरे अभी कितनी बार घंटी बजाएगा यार? मैं तेरे घर पे आके भी तेरे घंटे बजाऊंगा। पिज्जा। पिज्जा in 20 minutes सर। ये आपके पैसे। सर, कौन सा चैनल चालू है? ये चैनल के चाचा, तूने मेरे को पिज्जा दिया, मैंने तेरे को पैसे दिया। Get out। लेकिन सर। पिज्जा खाओ, जान बनाओ। राठौर बाबा, पिज्जा खाओ, जान बनाओ। ऐसा नहीं, रिमाइंड करो, मेरे को भी देखने का हो। यार तू पिज्जा में जो डालती ना टॉपिंग, सॉस वॉस। अभी रिमाइंड करवा तो देखना यार, चुपचाप। अभी कौन है? मुझे क्या मालूम यार, जाके देखना यार। ओके, अब कौन है यार? ये कोई शरीफ होगी, आने का टाइम है सर। अभी क्या है? पिज्जा के साथ दो कोल्ड ड्रिंक्स फ्री है सर। अरे तो पहले दे दो, क्या हुआ था? वो मैं भूल गया था सर, लेकिन वो। वो क्या, वो क्या? वो चैनल तेरा फायर है, चीटर साला। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। अरे भैया, थोड़ा रिवाइंड करो हमारे लिए भी। यार क्या है तुम बार बार? लो लो, क्या 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 कर रहे हो यार? कोक हाथ में दे रहा हूँ यार। तुम क्या कर रहे हो लालवानी? तुम रिवाइंड करवाते हो, देखते भी नहीं हो। देखो ना यार, रिवाइंड करवाया तो। हाँ हाँ। अभी कौन है यार? अभी जो भी होगा ना, उसका ऐसा गला घोट दूंगा मैं। क्या गला? अब कौन है यार? एक तो ये एरिया में 200 कुत्ते भोंकते रहते, ये एरिया से घर बदल देते का है मेरे को। अरे तू अब क्या है बे? और तू घड़ी घड़ी मेरी घंटी को बजाता है? 10 रुपए का चेंज देना भूल गया था। अरे ब्लैक एंड रेड, ब्लैक टोपी, 10 रुपया बाबा मेरी तरफ से तेरे को टिप है। तू जाना यार। टिप टिप आप ही रखो ना साहब, मुझे ऊपर देखने दो प्लीज। ये तेरे को बताऊं सर, मुझे एक बार देखने दीजिए प्लीज, मैं चला जाऊंगा सर, सिर्फ एक बार ऊपर देखने दीजिए ना प्लीज। टीवी के चैनल में करवा दूंगा बेवकूफ। आया राठौर।
ये पिज्जा वाला भी एकदम टर्की है, साले को देखना अंदर क्या हो रहा है। भाई राठौर अभी तो खा लिए, रिवाइंड कर मैं देखूंगा। यार तू कितनी बार रिवाइंड कराएगा, मैं वही एक्शन 3 बार देख चुका हूँ। यार ललवानी तू देखने देना आराम से यार, चौथी बार मेरे साथ देख लेता। अरे मैं एक बात बोलूं, पिज्जा वाला भी वही, पेप्सी वाला, कोक वाला भी वही, चेंज वाला भी वही, मैं तंग आ गया यार, सेम मैन कमिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है यार। अरे शरीफ आदमियों को तो रात के वक्त में अपनी घंटियां बंद रखनी चाहिए यार, खास तौर पर जब बीवी मैं के चली गई हो तो। अभी तो मैं इसको बैठ, तू बैठ, इस बार मैं जाता हूँ साले का बैंड बजाता हूँ मैं। उसकी ऐसा मूड बना नहीं के टिंग टोंग टिंग टोंग। आपका घर है क्या? टिंग टोंग। और ऊपर से लालवानी, रिवाइंड करो ना यार, रिवाइंड करो ना, रिवाइंड करा करा के 3 बार मेरा। अरे राठौर हमारी बगल में बैठो, जन्नत के मजे लो। ये मेरे पीछे ये सब चल रहा था, अपना नहीं मालूम है। ये बच्चे लोग नीचे तो, ये सासू माँ लोग नीचे ले के कार्टून नेटवर्क दिखा। अरे ये सब उसका यार, राठौर का, राठौर का। मैं उसको समझाया, मैं बोला आई लव माई वाइफ, यार फिर भी उसे जीत किया। मैरिड बैचलर बाय डॉक्टर स्क्रूवाला, चैप्टर 1। देखते हैं क्या लिखा है। अधेड़ उम्र के लोगों में दबी हुई तीव्र कामनाएं, उनके कारण और उनके परिणाम। इंटरेस्टिंग, बहुत भारी है, पढ़ते ही प्यास लगने लग गई। कौन है, मार रहा है क्या? क्या हुआ, क्या क्या हुआ? हाँ देखता। ओह माय गॉड, मैं तो सिर्फ एक फूल प्लक करने गई थी, पूरा गमला ही गिर गया। गिर गया। I'm terribly sorry. नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। What, कुछ नहीं हुआ? अपने चेयर की हालत तो देखिए, देखिए मिस्टर, आपका जितना भी नुकसान है ना, उसे मैं चुका दूंगी। नहीं एक्चुअली फॉरगेट इट, कुर्सी पुरानी थी, अच्छा हो गया। That's so nice of you. लेकिन एक वादा कीजिए, आप उस स्पॉट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सुबह मैं वॉचमैन को बुलवा के पूरा साफ करवा दूंगी। ओके ओके थैंक्स, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप यहाँ की नई किराएदार है ना? पुराने किराएदार होने के नाते आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर अ कप ऑफ कॉफी। एक कॉफी हो जाए? दैट्स अ ग्रेट आइडिया, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी किचन में जाकर आती हूँ। किचन? नहीं, दूध कॉफी चाय पत्ती ये सब है, सिर्फ आप आ जाइए। नहीं वो क्या है ना, यहाँ पर इतनी गर्मी है कि मैं अपने सारे कपड़े फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में? गिव मी 2 मिनट्स। ओके। इस वक्त बजे रात के 12, फटने वाला है प्रेम का गुब्बारा। टन 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 टारा, फंसता है क्या प्रेम बेचारा। तकदीर का अनोखा खेल है सारा, अब और नहीं चाह रहा, प्रेम जीता या हारा। पता चल जाएगा जब आप आएंगे इंटरवल के बाद अंदर दोबारा। आएंगे ना? नमस्ते साहब। कौन हो तुम? अरे हम है सरकार। किधर है, किधर? कौन है तू? हम राम पकावन। तो क्या पकाने के लिए इधर आया? अरे पकाने नहीं साहब, गलीचा लेने आए हैं। हटिए। गलीचा क्या? अरे गलीचा नहीं जानते आप? गलीचा जो बड़े बड़े लोग डेकोरेशन के लिए डालते हैं, वो गंदे जूते पहन के घूमते हैं, हम उसे धोते हैं साहब। हमको गंदा ही रखने का। चलो निकलो यहां से। मेम साहब ने बुलाया साहब। अरे मेम साहब गया। अरे सुनिए तो, वो मुझे डांटेंगे। अरे निकल तेरी तो। अरे सरकार, कोई भी कभी भी आ जाता है। पहचाना नहीं?
वो ऊपर गमला, आपकी कुर्सी. या 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 प्लीज कम इन कम. वाओ यू हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस. अच्छा आई एम सो सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नो नो नॉट एट ऑल, आई एम परफेक्टली ऑलराइट. थैंक गॉड, मैं तो इतनी अपसेट हो गई थी. अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती. ओह सो स्वीट. वाओ योर कूलर इज वर्किंग. या Actually, I'm Twinkle. Twinkle Chopra. Hi. I'm a model by profession. यहाँ इसी सिलसिले में आई हूँ. और आपका नाम क्या है? प्रेम. प्रेम? जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ. क्या? I mean, it's a very interesting and romantic name. Right. Can we play some music? Yeah, sure. Why not? तो कॉफी हो जाए? Okay. लेकिन गर्म नहीं. I like cold coffee. Oh, that's so cool. Even I like cold coffee. Superb. 1 minute. All yeah. right, please sit. Here you go. Thanks. Lovely music and lovely coffee. Thank you. By the way, what is your sun sign? Gemini. I'm a Gemini too. Really? Yeah. What date? 3rd June. And yours? 20th of June. ये तो परसों ही था ना? Hmm. Belated happy birthday. Thank you. Actually, मैं उसी दिन लंदन से इंडिया आई थी. लंदन एयरपोर्ट से शैंपेन की बॉटल भी खरीदी थी. लेकिन यहाँ पर किसी की अच्छी कंपनी नहीं मिली सेलिब्रेट करने को. आप मेरे साथ मेरी शैंपेन शेयर करेंगे? Definitely. Okay. Okay. सही सोच रहा है प्रेम, ट्विंकल तुझ पर फिदा हो गई है, वरना वो पहली मुलाकात में तेरे साथ अपनी शैंपेन क्यों शेयर करती? You're right, शैंपेन. Cheers, ट्विंकल, happy birthday. Thanks. पता है प्रेम, मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं अपना बर्थडे किसी स्पेशल पर्सन के साथ मनाऊं. Well, thanks. You think I'm special? लंदन में हमेशा भीड़ भाड़ और शोर शराबे में ही बर्थडे गुजरा. But today, it's really special because there's only you and me. Wow! Piano? Aapko piano bajana aata hai? Bachpan se. You want to hear something? Mm-hmm. Okay, let me play something special for you. May I? Sure. Oh, Prem. Main jab bhi ye dhun sunti hoon, main toot jaati hoon. बिखर जाती हूँ. क्या मैं आपके करीब बैठ सकती हूँ? Sure. ओ प्रेम, ये धुन मुझे एक अजीब दुनिया में ले जा रही है, दूर, बहुत दूर. मैं अपने आप में खो रही हूँ. ये धुन मुझे तड़पा रही है. मैं भूल रही हूँ कि मैं कौन हूँ. Just a minute. क्या है? क्या है? मैं तेरे को पूछता हूँ भाई. तेरे घर से धड़ाम से आवाज आई, मेरा पलंग टनाटन करके गिर गया. फिर भाभी बदल गई? बदलने की आवाज थी क्या? भाभी जी नमस्कार. ए छेड़ा, चश्मा पहनना शुरू कर दे. ये भाभी जी नहीं है, ये ट्विंकल जी है. ये हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहने आई है. वो मशहूर मॉडल ट्विंकल जी. हेलो, मैं रमनिक छेड़ा. आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है. आप ऊपर से नीचे ही देखे. इनके बालकनी से गमला गिर के मेरे लॉन में आया. ये उससे लेने आई है ना? ओ ऐसा है.
कभी हमारे बालकनी में भी आपका गमला पड़े तो इसी बहाने हमारे घर में आपका पांव तो पड़े है, तो पड़े पड़े हमारी जिंदगी क्या है। ट्विंकल जी, ये रहा आपका गमला। हमारे हो तो आप गमला उठाएगी। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, ये तो पड़ोसी का धर्म है, कभी आप गिर गए होते तो आपको भी उठा के लेके जाता हूँ। चलो ये गमला मैं आपके बालकनी में फिक्स करता हूँ। चलो, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू मिस्टर छेड़ा, बट वो क्या है ना कि अब ये गमला मेरे किसी काम का नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप इसे तरफ बाहर फेंक दीजिए। या थैंक यू सो मच, गुड नाइट मिस्टर प्रेम। गुड नाइट, बाय। गमला ने जी, तू ऊपर से आई क्यों? टन 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 टन। गुड मॉर्निंग सर। सर, मुझे पता चल गया। क्या? कल रात आप क्यों नहीं सोए? किसने बताया तुम्हें? सर, ऐसी बातें कोई थोड़ी किसी से बताता है, सबको पता चल जाता है सर। ओह नो, सबको पता चल गया? हाँ सर, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब भी किसी की वाइफ आउटस्टेशन जाती है तो ऐसा ही होता है। मेरे चाचा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही मतलब? मतलब उन्हें भी अपनी बीवी बच्चे के बगैर घर सूना सूना लगता था, रात भर नींद नहीं आती थी और दिन में ऑफिस में मन भी नहीं लगता था। आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना सर? ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे चाचा की तरह। आई लव योर चाचा। सर, भाभी जी नहीं है तो आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा, आपके लिए कुछ मंगवाऊं? नो नो थैंक्स। सर कुछ तो लीजिए, स्नैक्स, चिप्स, ड्रिंक्स, कुरकुरे। नो कुरकुरे, पुरपुरे, गो। ओके सर। ये कुरकुरे ने तो परेशान कर दिया। भाभी जी नमस्ते। हाँ। ओ मिश्रा जी अपने बीवी के कपड़े धोने दिए थे, उनका घर बंद है तो आप उन्हें दे देंगी? हाँ हाँ, मैं दे दूंगी, अब जाइए। ये साड़ी, ये तो मेरे पे खूब जचेगी। अरे भाई प्रेम, वो डॉक्टर स्क्रू वाला है ना, फोन कर करके मेरा मगज खराब कर दिया है। अरे उसकी किताब की पब्लिसिटी कब शुरू करने वाले हैं अपने भाई? एक बार ये किताब पढ़ लूं फिर डिसाइड करते हैं। तुमने किताब पढ़ी थी? नहीं, पढ़ रहा हूँ। पर एकदम टन 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 है वो, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो डॉक्टर स्क्रू वाले हैं ना, वो 21,000 शादियों का सर्वे करने के बाद में क्या डिस्कवर किया मालूम है? ये शादी जो है ना, वो पब्लिक टॉयलेट है। जितने लोग बाहर खड़े रहे उनको अंदर जाने की जल्दी, जो लोग अंदर है उनको बाहर आने की जल्दी। टन 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 टन। इंटरेस्टिंग। अरे ये भी लिखा है, 7 साल बाद हर शादीशुदा पति को एक अजीब सी खुजली की बीमारी शुरू होती है और उसको पता भी नहीं चलता है। ये क्या है? ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, कचरा है, कचरा। हाँ तो निकालो ना भाई। ये सब बकवास है, मैं इन बातों को मानता ही नहीं। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, जो इसमें लिखा है ना वो मैं खुजा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और आपको मालूम है ये खुजली की बीमारी हर शादीशुदा आदमियों को तब शुरू होती है जब उनकी बीवियां घर से बाहर होती है। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं आपको, बिजनेसमैन है मिडिल एजेड, शक्ति कपूर उसका नाम है, वो ये ने 7 साल की शादी की जिंदगी के बाद उसका चक्कर है ने अपनी पड़ोसन के साथ होता है, वो भी कब, जब बीवी मायके चली जाती है। ओह माय गॉड, ये तो मेरी कहानी सुना रहा है, अब क्या होगा? और लोचा क्या मालूम है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ब्लैकमेल कर दी है और उसके एफेयर के बारे में पूरे एरिया में बोल के उसकी इज्जत की टन टन। बस बस बस, और मत बताना, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, तुम जाके बैंक का काम निपटा के आ जाओ। टेंशन का है क्या, ये कैसे कैसे लोग होते हैं। ट्विंकल भी एक मॉडल है, रोज कई लोगों से मिलती है, अगर वो सबको बता देगी कि कल रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ तो नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। हाय, वेलकम बैक टू ओपन शो। हाय ट्विंकल। हाय। आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? ओके, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडियन हस्बैंड्स बहुत ही खराब और फ्लर्ट्स होते हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पड़ोस में प्रेम सहानी नाम का एक आदमी रहता है। मम्मी मम्मी, पापा का नाम टीवी पे आया। मम्मी पापा का नाम टीवी पे आया। मम्मी पापा का नाम टीवी पे आया। मम्मा, प्रेम सहानी ने मुझे अपने घर अकेले बुलाया, फिर उसने मुझे शैंपेन भी पिलाई, मीठी मीठी बातें की और फिर पियानो बजाते बजाते उसने मेरे साथ Come on, Prem, pick up the phone.
प्रेम पिक अप द फोन मैंने कुछ भी नहीं किया शीतल मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया मेरा यकीन करो सर मैं एनी बोल रही हूँ ओ एनी थैंक गॉड हाँ बोलो सर आधे घंटे के बाद आपकी मीटिंग डॉक्टर स्क्रूवाला के साथ फिक्स हो गई है हाँ हाँ मुझे याद है जब वो आ जाए तो उन्हें अंदर भेज देना ओके सर ओके हाय प्रेम आइए मैं आप ही का इंतजार कर रहा था डॉक्टर स्क्रूवाला ये रहा आपके बुक का नया कवर पेज मिस्टर प्रेम व्हाट इज दिस What is this? ये तो स्टेशन पर बिकने वाली सेक्सी मर्डर मिस्ट्री पॉकेट बुक का कवर लगता है Absolutely right. आपने एकदम सही पहचाना आपकी किताब के लिए एक अच्छा टाइटल ढूंढकर इसे हम प्रमोट करेंगे यकीन मानिए जब ये किताब मार्केट में आएगी ना एक कॉपी भी नहीं बचेगी मिस्टर प्रेम मैंने शादीशुदा लोगों की साइकोलॉजी पर यह किताब लिखी इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर I know that, sir. लेकिन अगर किताब को बेचनी है तो कवर को थोड़ा स्पाइसी करना होगा सर मिस्टर प्रेम मैं एक डॉक्टर हूँ साइकाट्रिस्ट हूँ एक राइटर हूँ बीमार दिमाग का इलाज करता हूँ और उन्हें ट्रीट करता हूँ ये कब से हो रहा है ये पता नहीं लेकिन मुझे पता है तुम आजकल किसी खूबसूरत जवान लड़की के ख्यालों में उलझे रहते हो राइट आप सही कह रहे हो डॉक्टर कल रात मैंने खुद को एक खूबसूरत लड़की के साथ पियानो पर जबरदस्ती करते हुए अपने आप को पाया पियानो पे लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया डॉक्टर मैंने उस लड़की से कहा कि अपने कुरकुरे लो और चली जाओ कुरकुरे हाँ डॉक्टर मैं बहुत परेशान हूँ मैं शादीशुदा हूँ मुझे बचा लो डॉक्टर तो फिर डॉक्टर स्क्रू वाला तुम्हें एक एडवाइस देता है सुनो ये पियानो वाली हरकत दोबारा रिपीट मत करना वरना तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में बेसुरी बांसुरी बजनी शुरू हो जाएगी नहीं नहीं डॉक्टर मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ तो इसमें नया क्या है हर शादीशुदा मर्द यही कहता है एनीवे लेट मी गिव यू सम हार्टिक एडवाइस सुनो ये जो औरतें होती है ना ये इंटरनेट के वायरस की तरह होती पहले तो मर्द की लाइफ में इंटर होती फिर उसके दिलो दिमाग को स्कैन करके उसकी सारी खुशियां उसकी सारी आजादी उसके सारे बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती और बदले में मर्द के अकाउंट में क्या डाउनलोड करती हैं? क्या टेंशन तड़प घुटन बेचैनी झिकझिक बच्चे और उसके चेहरे की स्माइल को डिलीट करके उसे हमेशा हमेशा के लिए हैंग करके चली जाती और एक बार मर्द हैंग हो गया तो फिर वो फीमेल क्या ईमेल के लायक भी नहीं रह जाता इसीलिए कहता हूं कि जहां तक हो सके इस वायरस से बच के रहो समझे समझ गया हेलो आटा लेने गए आटा बैग के पीछे मेरी वायरस का भाई कौन है देखो कहां मर गए आप तुम डिजाइन तैयार करके क्या मुझे कॉल करना नहीं नहीं आ रहा हूं चक्की आटा ले दीजिए ट्विंकल से दूर रहने में ही फायदा है चुल्लेलाल अरे तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोल के रख मनोज जलवानी आ रहा है लालवानी अरे यार तू इस तरह चला गया तो खुदकुशी से पहले हार्ट अटैक आ जाएगा यार पर तू कूद क्यों रहा है अरे मेरी बीवी ने मुझे बहुत जलील किया यार धक्के मार मार के घर से निकाला और पता है क्या बोलती है बोलती है आई विल डिवोर्स यू अरे मेरे रैटर भाई मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा यार तू मरने के बाद तेरी शक्ल क्या चेंज हो जाएगी बोल नहीं अरे अगर मर रहा है तो मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा तो पूरी कर मेरी कौन सी आखिरी इच्छा है यार वही जो बीवी के मायके जाने के बाद हर मर्द के दिल में होती है है ना है ना है? ये क्या है ये तो किसी का टेलीफोन नंबर है यार तुमने मुझे जन्नत दिखाई थी मानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें जन्नत की हूर से मिलवाऊंगा ट्विंकल हे प्रेम हाय
नो वायरस इन माय लाइफ, समझ गया? हे प्रेम, प्रेम सुनो, प्रेम, हे प्रेम, मैंने मॉल में तुम्हें कितनी आवाजें लगाई, तुमने सुना ही नहीं। मैं मॉल में? मैं तो सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, तुमने किसी और को देखा होगा। मेबी। अच्छा पता है आज मैंने ढेर सारी शॉपिंग की, मैंने परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स और शैम्पू की बॉटल खरीदी। वाओ। और पता है क्या, शैम्पू की बॉटल के साथ मुझे मूवी की 2 टिकटें मिली। ओह लकी गर्ल, नाइट शो है, चलोगे मेरे साथ? आई वुड लव टू, लेकिन कल मेरा ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है, उसके लिए आज रात को ही प्रिपेयर करना है। सॉरी, गुड नाइट, थैंक यू। ओके। अरे मेरी बीवी आ गई। मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ छिपी है। कोई बात नहीं पार्वती, मैं भी तुमको सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज डॉर्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। ये क्या करता तू मेरी बीवी के साथ, तेरी ये हिम्मत, मेरी बीवी को छेड़ता है तू। शरद साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शरद साहब अभी पकड़ा गया तो गलती हो गई? नहीं नहीं। अरे अच्छा होगा मैं भगत पे आ गया, नहीं तो ये तेरी गलती की सजा है ना, जिंदगी में मेरे को पालनी पड़ती थी। अरे तो कैसी है, ठीक है ना? खाली पकड़ा है ना? पक्का? शरद साहब एक्चुअली क्या ना कि भाभी ने मेरी बीवी की साड़ी पहनी हुई थी तो मुझे लगा मेरी बीवी आ गई, इसलिए मैंने इनको गलती से गले लगा लिया। ये तूने क्या किया, फिर से दूसरों की साड़ियां पहनना शुरू कर दी? नहीं वो क्या है, वो धोबी जो है इनकी बीवी की साड़ी मेरे पास छोड़ के गया था। साड़ी इतनी प्यारी थी, मुझसे रहा नहीं गया। तुझसे रहा नहीं गया? तेरे को देख के इससे रहा नहीं गया? मैं तो रह गया ना, और तेरे को गले लगा के पूरा भाड़ा वसूल कर लिया। देखिए देखिए छेड़ा साहब, आप प्लीज भाभी जी को मत डांटिए, गलती मेरी है, मैंने गलती से इनको गले लगा लिया। अरे एक्चुअली गलती तेरी नहीं, गलती इसकी है, जावे तू जा। अरे नहीं नहीं छेड़ा साहब, गलती इनकी नहीं, गलती मेरी है, मैंने भाभी जी को अपनी बीवी समझ के गले लगा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। हां तो ठीक है, अभी हो गया ना, चलना अभी। छेड़ा साहब गले तो मैंने लगा लिया ना भाभी जी, छेड़ा साहब नहीं, पर मैंने इनको गले लगा दिया। चुप, तीन तीन बार गले लगा, गले लगा, गले लगा, एक्शन रिप्ले करता जा। छेड़ा साहब हो गया ना, लेकिन छेड़ा साहब देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप। अरे भाई देखो अनजाने में हो गया है जी, अभी खत्म करो बात को, चलो। हेलो, अरे ऐसे कैसे बात खत्म कर दूं छेड़ा साहब, आप इस बात को दबाना चाहते हैं, मैं ये बात दबने नहीं दूंगा छेड़ा साहब, मैं माफी मांग के रहूंगा, मैं माफी मांग के रहूंगा। ए भाई तू क्या ढिंढोरा पीटेगा, मेरी इज्जत खराब करेगा, तू जाना मेरे भाई। छेड़ा साहब एक बार मुझे माफ कर। तेरे को मैंने माफ किया जाने? नहीं छेड़ा साहब नहीं, ये आप मेरे को जबरदस्ती माफ कर रहे हैं, आप दिल से माफ नहीं कर रहे हैं छेड़ा साहब। अबे भाई तेरे को मैं दिल से, दिमाग से, कलेजे से, फेफड़े से, घुटने से, नल्ले से, जाने में माफ किया, निकलने से। नहीं 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 छेड़ा साहब, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी छेड़ा साहब। ये भाई मैं तेरे को माफ कर दिया जाने भाई, अभी मैं तेरे को, अगर तूने और माफी मांगाने आए मैं तेरे को शांत कर दूंगा जिंदगी भर। ऐसे कैसे छेड़ा साहब, तू जा यहाँ से, मेरे को साड़ी उतार के भेज देगा। किसको? अबे साड़ी, तेरी बीवी की साड़ी है ना, चल। अब मैं इन दोनों से कैसे माफी मांगू? वॉचमैन, हेलो। हाय शीतल। हाँ मैं हूँ, तुम कहाँ पे हो? मैं बाथरूम में हूँ। बाथरूम में क्या कर रहे हो? टाइपिंग कर रहा हूँ। बाथरूम में आदमी क्या करता है, यकीन नहीं आता ना, तो ये सुनो। सुना? अरे सबूत देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, मैंने मम्मी पापा को टीना की शादी के लिए मना लिया है। हाँ तो आप वापस आ जाओ। नहीं आ सकती। क्यों? वो निखिल मुझे रोक रहा है। कौन निखिल? मेरा पुराना कॉलेज का फ्रेंड, मैंने तुमसे हमारी शादी में मिलवाया था। ओ वो फ्लर्ट। थैंक यू। देखो खाना जरूर खा के। शादी मुबारक हो शीतल। निखिल yes? तुम लाना से कब आए? बस तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही भागा भागा चला आया। इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? प्रेम दिस इज निखिल। हे प्रेम कांग्रेचुलेशंस, दीज आर फॉर यू। थैंक्स। यू आर अ वेरी वेरी लकी मैन ब्रदर, यू गॉट हर। पता है प्रेम, कॉलेज में हम सारी लड़कियां ऐसे मिस्टर फ्लर्ट कह के बुलाती थी। क्यों?
क्योंकि ये मिस्टर फ्लर्ट कॉलेज की सारी लड़कियों पर हमेशा लाइन मारते थे. इंटरेस्टिंग. इंक्लूडिंग मी. निखिल ये बताओ तुम कब शादी कर रहे हो? क्या बताऊं यार, एक लड़की फाइनलाइज की थी, सोचा था इंडिया आके उसे प्रपोज भी करूंगा. तो उस लड़की को प्रपोज किया? कैसे प्रपोज करता यार. क्यों? तुमने उससे शादी जो कर ली. निखिल स्टॉप फ्लर्टिंग नाउ, अब मेरी शादी हो चुकी. अरे है यार. नो चांस. यार चांस तो है, हो सकता है कि शादी के एक साल, दो साल या फिर सात साल के बाद, जब तुम प्रेम के प्रेम से बोर हो जाओगी और तुम्हें किसी के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल. आई यू नो माय नंबर राइट? एक्सक्यूज मी मिस्टर फ्लर्ट, आपको शीतल को फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं उसे कभी बोर होने नहीं दूंगा. यार तुम सच बोल रहे हो कि फेंक रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ. सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ. हाँ मैं सच बोल रहा हूँ. क्या सच बोल रहे हो तुम? शीतल तुम उस निखिल से दूर रहना, वो आदमी अच्छा नहीं है. प्रेम वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी शादी है और उसने मुझे अपनी क्लोज फ्रेंड पार्टी में बुलाया है. क्लोज फ्रेंड पार्टी? तुम कोई क्लोज फ्रेंड पार्टी में नहीं जाओगी. ओके शीतल तुम वो पार्टी में जाओगी? ओके प्रेम मैं उस पार्टी में जाऊंगी. हेलो शीतल तुम वो पार्टी में नहीं जाओगी? रिवर्स स्विंग LBW लल्लू बिफोर वाइफ. देखा प्रेम की कैसी जल गई है जान. Dude, बड़ा मजा आ रहा था ना, तो खुद था रंग रलियों में मस्त. अब क्या हुआ, लग गया झटका जबरदस्त. Yeah.
अगर वो पार्टी में जा सकती है तो मैं भी ट्विंकल के साथ फिल्म देखने जा सकता हूँ। हेलो ट्विंकल। हाँ। मैं प्रेम। Yes, I know. Tell me. Thank you. कल की मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, अगर चाहो तो हम फिल्म देखने जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके। ओके के लिए भी थैंक यू। Do you wanna partner? Oh, partner. Do you wanna partner? Love me, say. Wanna partner? Oh, partner. Do you wanna partner? Oh, oh. यहाँ आने से पहले मैंने प्याज का सलाद और लहसुन की चटनी खाई थी, लेकिन फिर भी मेरी सांसों में सुबह की खूबसूरत ताजगी, इसीलिए तो चाहे हर कोई रहना मेरे पास। इसका राज है फ्रेश एयर। सांसों की दुर्गंध हटाए, नजदीकियां बढ़ाए फ्रेश एयर। मैं कितनी क्यूट और नेचुरल लग रही हूँ? Yeah, you're looking amazing. Thanks. पर मैं ये नहीं मानता कि ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से किसी की सांसें पूरा दिन ताजा रहती है। Of course रहती है। ये टूथपेस्ट तो मैं खुद यूज करती हूँ। मैंने सुबह ब्रश किया था और मेरी सांसें अभी तक तरोताजा हैं। पर मैं नहीं मानता। अब मानते हो? Can I check once more? That was awesome. Thanks a lot for the movie, huh? Thanks तो मुझे कहना चाहिए। You give me such good company. By the way, तुम्हारा AC repair हो गया? नहीं, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। Excuse me, Twinkle Chopra का flat कौन से floor में है? Second floor. तुम AC repair कर रहे हैं ना? हाँ sir. हाँ, तो उसका AC repair हो गया? AC repair हो गया? हाँ, तुम late आया ना? कल urgent था। हाँ, हाँ, तो हो गया repair. हो गया? हाँ, चलो चलो। अच्छा चलता हूँ। Thank you very much. ये साले इलेक्ट्रिशियन होते ही काम चोर है। मैंने अपना एसी ऑन रखा था घर में, अभी तक तो काफी ठंडा हो गया होगा। चाहे तो थोड़ी देर हम लोग एसी में बैठ सकते हैं। ओके। आई कुड ऑफर यू सम कोल्ड कॉफी और एनीथिंग यू लाइक। या। चले? या। ओके। प्लीज। ओके। लेट्स गो। ये ठंडी हवा बस थोड़ी ही देर के लिए है, इसके बाद तो वापस अपने फ्लैट में जाकर उसी गर्मी में सोना पड़ेगा। तुम्हारे बिहेवियर से साफ पता चलता है कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। अगर इनसे कहूं कि मैं आज रात यहीं, तो ये ना नहीं कहेंगे। दिल के बहुत अच्छे हैं ये। मैं समझ सकता हूं। तुम लंदन के खुले माहौल में पली बड़ी हो। After all, we are educated people. अच्छा बुरा सब समझते हैं। शायद तुम्हें समाज का डर होगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या सोचा तुमने? प्रेम, मैं सोच रही थी कि आज क्या एक मिनट से होल्ड करना एंड यू स्टे देयर, आई विल बी बैक। क्या है ये? रंगे हाथ पकड़ा है ने? किसको? इसको। दरवाजे के छेद से झांक रहा था ये। क्या देख रहा था बे? अरे कुछ नहीं देखा, लड़की लड़की की आवाज सुनी तो देखने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे घर में लड़की? हाँ है, अंदर है, न्यूज पढ़ रही है टीवी पर। अरे उसके साथ आपकी भी आवाज आ रही थी। तो मैं अपने घर में बात नहीं कर सकता, तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इसका घर है, इसका घर। तेरे को झांकने की क्या जरूरत थी धोबी की औलाद? क्या हो रहा है गाली उल्लू का पट्टे हराम ज़ादे कमीने हराम घर। ये गाली चलेगा या सुपर वाला मावेन का भी आता है? तेरी मार। नहीं, गाली चा चाहिए। गाली जब तक इसकी वीव आ रही है ना, सबको गाली देता रहता है। क्या बोल? नहीं नहीं, गाली चाहिए नहीं, गाली चा वहाँ है। ये खाली गाली चा लेने आए। लेडीज पाओ कौन है बाहर? क्या कर रहे हो तुम? ओहो, क्या कर रहे हो प्रेम? व्हाट इज दिस? अरे हम बोले ना, लड़की है अंदर, इसे दरवाजा बंद है। प्रेम, दरवाजा खोलो। अकेला अकेला हमको भी न्यूज देखना है ना। लेडीज न्यूज सुनना है। खाली पैर दिखा, बाकी भी देखने का। हाँ तुम ही बैठो। अरे
मैंने वो लेडीज टांग को देखा था मैंने। अरे यहाँ कोई लेडीज टांगे नहीं है, यहाँ सिर्फ जेंट्स टांगे, हमारी टांगे। और राठौड़ साहब, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फैमिली? फैमिली का नाम नहीं लेना प्लीज। आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, पूछो उसको। इसकी फैमिली तो है ही नहीं, ऐसी फैमिली है ही नहीं। देखो मैंने अपनी आंख से लड़की की टांग को ब्लैक एंड व्हाइट सैंडल में कुछ मैंने। हम भी आवाज सुने हैं, लेडीज आवाज। इन दोनों की बातों से मेरे को तो डाउट हो रहा है भाई। ये भाई प्रेम बोल रहे हैं कुछ, है तो बोल रहे हैं। तुझे मैं लफड़े वाला दिखता हूँ? नहीं नहीं, तभी तो मैं परेशान हूँ। जरूर कोई लफड़ा है साहब। तू चुप बैठ। अबे उठ छेड़ा, इनको लेके जाए यार, बहुत हंगामा कर रहे हैं लोग। क्या समझाया, क्या समझाया? मैंने अपनी आंखों से यहाँ लेडीज टांग को देखा, टांग देखा है मैंने। डॉक्टर साहब एक बात बोलूं, जब से भाभी आपको टांग देके गई है ना, आपको सिर्फ टांग 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 दिखता है। ऐसा होता है, साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाता है। अभी मेरे को दिखता है ना। किसका टांग दिखता है? जरूर तुम बोला, किसका टांग दिखता है? टांग तुम बोला, जब से मेरे को भी टांग ऐसा आता है। गुलाब जल ज्यादा हुआ ऐसा लगता नहीं आपको? लेकिन सैंडल, सैंडल देखा है? सैंडल आपने किधर देखा है? बाहर से देखा है। बाहर देखा है ना, तो बाहर चलो ना। और तुझे गालीचा चाहिए ना, वो देखो उधर पड़ा है। गाली तो गालीचा हम लेने आए थे। चलो आप लोग निकलो, मैं इधर ही। ठीक है बस हो गया, चलो। अरे अरे तुम्हारे घर में दिखाता हूँ राठौड़ साहब, उधर से आओ। थैंक यू। एक मिनट यार छेड़ो, फोन नंबर। मैं बताऊं क्या कहूं मैं।
गुड मॉर्निंग छेड़ा साहब। गुड मॉर्निंग। चल दो लीटर दूध दे। दो लीटर क्यों छेड़ा साहब, आज से आप चार लीटर दूध लीजिए ना। चार लीटर क्यों? लॉटरी में तेरे को भैंस का जैकपॉट लग गया क्या? जो फुकट में दूध बांट रहा बिल कौन तेरा बाप देगा? नहीं बाप नहीं, आपके पड़ोसी देंगे ना। मेरे पड़ोसी क्यों? अरे मिश्रा जी। मिश्रा साहब, आपकी बीवी को उन्होंने गले लगाया ना, इसलिए उन्हें माफ कर दो ना साहब। ये बात तेरे को मिश्रा ने बोला? हाँ मेरे को क्या, कल रात वो तो वॉचमैन को भी बता रहे थे। देख देख तू किसको बोलना नहीं है भाई। हाँ। देख मैं इज्जत वाला हूँ जी। देख तेरे को दूध के कसब है। हाँ। समझा ना, मैं दूध लिए बगैर तेरे को पैसा दूंगा। हाँ। बोलना नहीं किसी को, बरोबर है ना? हाँ, हाँ, समझ गया? नहीं बोलूंगा। ये मिश्रा मिश्रा तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे हाथ से मरा। अरे छेड़ा साहब ने मुझे अभी माफ नहीं किया, कैसे माफी मांगू? हे भगवान। Hi, good morning. Good morning. Your breakfast is ready. Please. Wow, yakin nahi hota Prem, tum itna acha breakfast bana lete ho. Thank you. I like it. And I like you. आज रात को तुम्हें मैं इससे भी बड़ा गिफ्ट दूंगी। बाय बाय। इससे भी बड़ी गिफ्ट। अरे भाई इधर आहिस्ता वस्त्र घुमाने यार, मेरे को दाढ़ी बनाने क्या, गले का टंटन टन नहीं करने का है। गलती हो गई छड़ा भाई। चल साफ कर बार। चल शाबाश। कितना पैसा हो गया बापू? पैसा मत दीजिए छड़ा भाई। क्यों? माफी दीजिए। अरे वस्त्र थोड़ी लगा, काय की माफी मांगता है तू? माफी मेरे को नहीं, मिश्रा जी को दे दीजिए। मिश्रा जी? हाँ, आपकी वाइफ को गलती से गले लगाया ना, बेचारे मिश्रा जी कब से हाथ जोड़ के खड़े हैं। तेरे को बताया उसने? हाँ, इस एरिया में सबको मालूम है। सबको? अबे मिश्रा मिश्रा। प्लीज छेड़ा भाई माफ कर दीजिए ना। आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया छेड़ा भाई। मिश्रा, तूने मेरी बीवी के साथ छेड़ा को भी छेड़ा है, अब ये छेड़ा है ना तेरे को नहीं छोड़ेगा। खड़ा रहे, खड़ा रहे, मैं बोलता हूँ। ये क्या हुआ? अब माफी मांगा भी? छेड़ा भाई, छेड़ा
मुझे माफ कर दो। अबे पहले चोरी करता है फिर माफी मांगता है। चोरी नहीं ये है, मेरी बीवी को अपनी बीवी समझ के ऐसा करने लगा। क्या नहीं मालूम? नहीं नहीं मालूम? नहीं नहीं मालूम? मेरे को नहीं मालूम। तेरे को मालूम भाई? नहीं मालूम। तेरे को मालूम है? नहीं मालूम यार। आपको मालूम है भाई? नहीं मालूम। अरे मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं। इनको बुरा लगा? प्रेम, ए प्रेम, मान गए तुझे, आखिर तेरा जादू चल ही गया। लड़की पटाना कोई तुझसे सीखे? मेहनत करनी पड़ती है तब जाके गिफ्ट मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। कम इन। सर आपके लिए गिफ्ट आया है। गिफ्ट? इतनी जल्दी आ गई? हाँ। नहीं नहीं, ये मेरी गिफ्ट नहीं है। नहीं सर, आप ही का है। आपके लिए कैलेंडर भेजा है। हेलो। हाय प्रेम, लव यू। शीतल तुम? जब भी मैं किसी जरूरी काम में बिजी होता हूँ उस वक्त तुम्हारा फोन जरूर आता है। बीवी हूँ तुम्हारी, कभी भी फोन कर सकती हूँ। अच्छा बताओ किस काम के लिए फोन किया था? पहले मेरे लव यू का जवाब तो दे दो। ओके बाबा, आई लव यू टू। अच्छा प्रेम याद है ना कल क्या है? आप कल क्या है? वेडिंग एनिवर्सरी। किसकी? हमारी। फिर से भूल गए? कैसे भूल सकता हूँ, ऐसे हाथ से अगर पति भूलना भी चाहे तो पत्नियाँ कहाँ भूलने देती हैं? तुम पतियों के लिए शादी एक हादसा होगा, लेकिन हम पत्नियों के लिए शादी एक हसीन हादसा है। अच्छा सुनो, मैं चाहती हूँ कल तुम मैसूर आ जाओ, वेडिंग एनिवर्सरी यही मनाते हैं। नहीं आ सकता डार्लिंग, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। तो ऑफिस का काम खत्म करके रात को सीधे यहाँ चले आओ। बिल्कुल नहीं आ सकता, रात को मेरी बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट मीटिंग है। मुझे वो क्लाइंट है ना दोषी, उससे मिलना है, वो अमेरिका जा रहा है। प्रेम, आज हमारी शादी को 7 साल पूरे हो रहे हैं और कल से हमारी जिंदगी में एक और नया साल जुड़ेगा। मैं चाहती हूँ आज रात ठीक 12 बजे हम फिर से एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाएं। मैं नहीं पहुँच पाऊँगा शीतल। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम जरूर पहुँचोगे। लव यू। हेलो शीतल, हेलो। हाय सेक्सी। हेलो। आइए आइए, अंदर आइए, आइए। आप जरा आराम कर लीजिए। जल्दी करना, मुझे दूसरे क्लाइंट के पास भी जाना है। या ऑफ कोर्स। आज की जी कम इन, बड़ा फिगर लालवानी आ गई। सुन जरा जरा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, मैडम के पास टाइम थोड़ा कम है। यस यस। कौन आ गया यार? मेरी बीवी आ गई यार। अरे बाप रे, छुपा। तू भाभी को संभाल, मैं बीवी को संभाल। कुछ कर कर कर। आओ कोमल, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ क्यों, ये मेरा भी घर है। या ऑफ कोर्स, मुझे अंदर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझे? ओ गॉड, वापस कमरा चेंज नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, मेरी गुल बदन, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं भी आया। कोमल इस रूम में मत जाओ। अरे क्यों? इस रूम में कॉकरोच है। कटेगा? अरे जब मैं शेर से नहीं डरती हूँ तो मैं कॉकरोच वॉकरोच से क्या डरूंगी? चलो हटो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो, हटो। अरे तुम भी कमाल करती हो ना कोमल, तुम एक कमरे के पीछे पड़ी हो। भाई मैं सारे घर के कमरे तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, तुम की बस
ऊपर वाले कमरे में जाके देखो कितना बढ़िया गिफ्ट ला कर रखा है तुम्हारे लिए मैंने। ऑफ कोर्स बेबी ये ओ मेरा बिट्टू अभी जाके देखती हूं। ओह वाओ यस राठौर मैंने स्मगलिंग करके लड़के को छुपा दिया। फैंटास्टिक कहा ऊपर Yes, Mrs. कुलकर्णी। सर मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। No, Mrs. कुलकर्णी, इतनी लंबी छुट्टी तुम्हें किसी हालत में नहीं मिल सकती। सर अगर मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती तो ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन। ये क्या मिसेस कुलकर्णी, आप रिजाइन कर रही हैं? हाँ सर, मेरे पति हॉस्पिटल में हैं। तो इसमें रिजाइन करने की क्या जरूरत है? सर उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं और मैं अपनी एक किडनी उन्हें दे रही हूँ। क्या? हाँ सर, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने शराबी पति की जान बचाने के लिए क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ। मानती हूँ कि उनकी बुरी आदतों की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियाँ और बदनामी सहनी पड़ी, लेकिन सर आज जब मैं उनकी रोती हुई आँखों में देखती हूँ तो मुझे उनकी दी हुई परेशानी और तकलीफें नहीं बल्कि उनके साथ बिताए हुए वो खुशी के पल याद आते हैं। और सर एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका पति फिर से लौटकर घर आ जाए। उन 7 फेरों के बंधन में जो जादू है वो जीते जी कभी पति पत्नी को जुदा होने नहीं देता। मिसेस कुलकर्णी, आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी छुट्टी सैंक्शन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका पति फिर से लौटकर घर आ जाए। उन 7 फेरों के बंधन में जो जादू है कभी पति पत्नी को जुदा होने नहीं देता। तो इसी रिंग को निकालने के लिए परेशान था ना, अब जब निकल गई है तो परेशान क्यों है? कहते हैं शादी 3 रिंग वाला सर्कस है, पहले एंगेजमेंट रिंग, फिर वेडिंग रिंग और फिर सफरिंग। लेकिन ये क्या हो रहा है रिंग? अबे क्या है तुम्हारा गेम? अब तो मैदान साफ है, 7 खून माफ है, प्रॉब्लम्स हाफ है, क्योंकि तुम्हारी बेटर ऑफ बनके हैप्पी इंडिपेंडेंस ब्रो, अब तो तुम आजाद हो, करो ऐश, करो। अरे कर ये, मैं क्या करने जा रहा था? Happy birthday, Pinky. Thank you, Mummy. Thank you, Papa. Wow. Come on, Alice. Papa, come on. Thank you. Okay, play that again. That was the beginning. Show Papa. Thank you.
नॉट। हाय प्रेम। सो आर यू रेडी फॉर द गिफ्ट? ट्विंकल प्लीज यहां से चली जाओ। क्यों? देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। आई नो, तुम अपनी बीवी के साथ तो क्या, किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ जेंटलमैन। नो आई एम नॉट। ट्विंकल तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहा था। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ बताओ? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोई भी लड़की कभी भी किसी भी वक्त अकेले रहने में डर महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं ट्विंकल, तुम नहीं जानती कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल रात जब मैं तुम्हारे बेडरूम में सो रही थी, तुम्हारी जगह अगर और कोई भी होता तो मौके का फायदा उठाने की जरूर कोशिश करता। तुम्हें पता है प्रेम, पहली नजर में हर लड़की तुम्हें क्यों पसंद करती है? क्योंकि तुम एक अच्छे पति हो। मुझे शादी पर कभी विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हर लड़की की शादी होनी चाहिए और उसे तुम्हारे जैसा पति मिलना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी पत्नी से जलन होती है कि उसे तुम जैसा पति मिला। No, Twinkle, I'm not a good husband. कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और शीतल चाहती है आज रात 12 बजे हम एक दूसरे को दोबारा रिंग पहनाएं। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि जिस रिंग की वजह से हम मिले थे वही रिंग मैंने खो दी है। अब मेरी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं ये बात सोच के डर रहा हूँ कि कहीं मैंने उसे हमेशा के लिए हो ना दिया हो। Don't worry, मैं हूँ ना। अच्छा गिफ्ट नहीं लोगे? गिफ्ट? मैंने कहा था ना गिफ्ट दूंगी, ये तुम्हारी सरप्राइज गिफ्ट। ट्विंकल तुमने मुझे बचा लिया। अब एक और गिफ्ट शीतल के लिए, और अब जाओ शीतल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे प्रेम भैया, आपने राठौर जी को देखा है क्या? नहीं। आपने मेरे रमनिक को देखा है? नहीं। आपने मेरे जमुरे को देखा है? नहीं नहीं, मैंने तुम लोग के किसी के पति को नहीं देखा। मैं अपने पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। अरे 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 सुनो, हमारे पति मिले ना तो कहना आज इनकी खैर नहीं। छेड़ा, तेरी बीवी तेरे को ढूंढ रही है। हाँ, मेरे को बाहर को ढूंढ रही है। मेरे को मार खाते देख के तेरे को मजा आएगा? नहीं ना, तो चला गाड़ी। नहीं नहीं छेड़ा भाई, आप जब तक मुझे माफ नहीं कर देते ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बरोबर है बरोबर है, तू इधर ही खड़े रहना। आज तो माफ भी होएगा ने साथ भी होएगा। प्रेम भाई गाड़ी चला। अरे गाड़ी चला। अरे क्या यार, अरे तुम दोनों मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? टाइम पास मत करो, गाड़ी चलाओ। बीवी आ जाएगी हमारी, चलो ना। अच्छा हो गया आप दोनों इधर ही हैं। ए भाभी जी, ये राठौर साहब और लालवानी अंदर ही हैं। अरे भाभी जी, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मिसेस मिश्रा, आपके पति ने मेरे पति से माफी मांग मांग कर पागल कर दिया। देखो टाइम वेस्ट मत करो, आपको अपना पति चाहिए? हाँ, तो चलो हमारे साथ चलो। चलो बस तू पूछो मत, चलो बस। सब मिश्रा सब तेरी वजह से पूरा घर। अरे पार्वती मेरी बीवी आ गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नीचे उतरना है। गाड़ी रोको, अरे भाई गाड़ी रोको, गाड़ी गाड़ी नहीं रुकेगी, मुझे लेट हो रहा है। हां ठीक है, चलो ना। सुनो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। गलती मेरी है, गलती मेरी है, मुझे इससे माफ मांग लो प्लीज। परमात्मा, मैंने तेरी अब तक बहुत तपस्या की, अब मैं विवाह का सुख भोगना चाहता हूँ। हे प्रभु, चमत्कार हो गया। अरे बहुत
भेज के रोक के रखा सुसुआई मेरे प्रेम रोक हाँ रोक दो इधर नहीं रोकता गाड़ी नहीं रोक सकता क्यों मुझे 12 बजे तक भाई साहब बोलते हैं आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है थोड़ा सा मेरा घुटना आपको टच किया आपको बुरा लगा मुझे प्लीज माफ करो यार मुझे आपकी बात से किसी बात का बुरा कभी नहीं लगता है अरे तुम लोग शांति रखो ना यार बेकार का बात एक मिनट यार एक हाय 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 की देखो सामने क्या बस टांगे दिखा रही है टांगे ले लो लिप दे दो बिठा लो अंदर बिठा लो यार जगह नहीं है गाड़ी में अरे नहीं व्हाट डू यू मीन जगह नहीं है मैं उसको अपनी गोद में बिठा लूंगा ना नहीं नहीं देखिए देखिए मैं बिठाऊंगा अरे माफिया मेरी गोद में बैठ गई हेलो देखो ऊपर प्रेम शीतल प्रेम हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आई लव यू सो मच पापा हाय बेबी थैंक यू क्या प्रेम तुमने तो मुझे डरा ही दिया अरे आपकी बेटी को जो सरप्राइज देना था अरे यार पापा आप फिर से बहुत नॉटी बॉय बन गए हाँ पापा नॉटी बॉय थे बट नाउ ही इज अ गुड बॉय पर एक बात पक्की है ये प्रेम के साथ में है सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सच पूछ अब हमारी जिंदगी में प्रेम ही प्रेम मैंने आप सबको बहुत परेशान किया बहुत तकलीफ दी बहुत टेंशन दी मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा देख बीवी क्या आते सुधर गया टन 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 जरा भी नहीं सुधरेगा वो भाई और बहनों आप इतनी देर से हम सबको झेल रहे हैं आपको बुरा तो नहीं लगा ना बेटा कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती ये टेढ़ी दुम को सीधा करो इसको खेल खत्म पैसा हजम सुधर गया खसम खा के कसम ये तो लाइन पे आ गया अब आप भी लाइन पे आ जाइए समझ जाइए कि शादीशुदा आदमी टेस्ट क्रिकेटर की तरह होता है उसी लंबी इनिंग्स खेलनी है तो जरा प्यार से आराम से T20 के चक्कर में पड़ोगे तो T20 की नौबत आ जाएगी ये लो गमला का हमला गया काम से जट हमला ए आप कौन है ऊप्स सॉरी कोल्ड कॉफी यही तो है हस्बैंड के कभी ना सुधरने वाले डिफेक्ट्स जिन्हें कहते हैं शादी के आफ्टर इफेक्ट्स हाय मैं हूँ वही जिसने कभी किसी से कहा था कि एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो
वही जिसने कभी कहा था कि तेरे नाम किया है जीवन अपना सारा सा। वही जिसने किसी से कहा था कि कभी किसी की दुल्हनिया बनोगी या मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करोगे? लाइफ बना दूंगी। लेकिन पर्दे तक तो ठीक है पर असल में माझे शील लग्न करशील मजे त्राशील। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक सवाल है जो जितनी बार मैंने सुना है वो दुनिया में किसी ने नहीं सुना होगा। कब कर रहे हो? 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 पहले ये सवाल सुन के मैं बहुत चिढ़ता था, अब मैं भिड़ता हूं। कोई पूछता है कि कब कर रहे हो तो मैं पूछता हूं कि कब मर रहे हो? कब मर रहे हो? कब मर रहे हो? कब मर रहे हो? हाय, मर जावा गुड़ खा के, तेरे लिए ते मरन भी तैयार हूं। तू एक बारी ब्याह ते कर मेरे नाम। You know, बड़े से बड़ा डूड शादी के बाद सब्ड्यूड हो जाता है। शादी के दिन जो बैंड बजता है ना वो तो सिर्फ शुरुआत होती है। मारी साथे लगन करी ले मजा करसु। चोरी के आम का हर कोई दीवाना होता है। जो पकड़ा गया वो चोर है और जो बच गया वो सियाना है। जिसकी लाइफ में वाइफ नाम की नाइफ है उसे बच के सेफ खेलना चाहिए। आमा की भी कर ले मुझे आए था आप पे। खैर जहां लड़का और लड़की हो वहां लड़ना तो होगा ही ना। और ये आज की बात नहीं, ये तो तब से चला आ रहा है जब हवा को कौवा बना के आदम ने दूसरी की ओर कदम बढ़ाया। एडम ऑफ अनदर मैडम, एडम ऑफ अनदर मैडम। घर में जिस पति की धाक नहीं चलती बाहर उसकी आंख चलती। समझ लीजिए जब वाइफ भड़की 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 तो अपने आप खुल जाती नजर की खिड़की, खुल जाती नजर की खिड़की, नजर की खिड़की खुल जाती नजर की खिड़की। नन जोते मदवे माड़कोंडू मजा माड़ू। कहते हैं कि शादी के पहले मर्द अधूरा होता है। करेक्ट, शादी के पहले मर्द अधूरा होता है और शादी के बाद फिनिश। अब क्या हुआ, लग गया झटका जबरदस्त? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? और शादी के बाद फिनिश। कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? कब कर रहे हो? करो करो, अरे करो।